टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए आपका दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपका जो टेस्ट है इज इट वन टेल और टू टेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जब भी आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इज इट वन टेल और टू टेल। अगर आपको यही नहीं समझ आएगी तो ऑब्वियसली आपका जो पूरा टेस्ट हो जाता है वो रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड ये है कि आपका अल्फा कितना परसेंट होता है, ये आपको स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर। पहला है जी, सैंपल ऑफ द 42 मेजरमेंट्स वाज टेकन इन ऑर्डर टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन मींस इक्वल 8.5 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम 8.5। ठीक है, हम 42 मेजरमेंट्स ले रहे हैं एक ऑर्डर को टेस्ट करने के लिए, जहां पर हमारा नल हाइपोथेसिस है वो कितना है 8.5 के है, और अगेंस्ट जो आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेना है वो कितना है 8.5 डिफरेंट लेना है। द सैम्पल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर फाउंड टू बी 8.79 एंड 1.27 रिस्पेक्टिवली। परफॉर्म द हाइपोथेसिस टेस्ट यूजिंग 0.01 एज द लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के क्वेश्चंस में आपको नल हाइपोथेसिस गिवन होता है, लेकिन आपकी जो सारी जो सिचुएशंस होती हैं वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के जो है ना वो गिर्द घूम रही होती हैं। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव, नल हाइपोथेसिस जो होता है उसके अगेंस्ट पर आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। अगेंस्ट से क्या मुराद है, अगर आपका नल हाइपोथेसिस जो है इक्वल 8.5 है, अगर उसमें स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं गिवन है, अगर उस स्टेटमेंट में कोई कंडीशन गिवन नहीं है, कंडीशन से क्या मुराद है कि यहाँ पर इन्होंने कहा है इक्वल 8.5 अल्टरनेटिव दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम 8.5, यानी 8.5 से आपने डिफरेंट लेना दैट इज नॉट इक्वल। अगर यहाँ पे किया होता कि इंक्रीज 8.5 तो इट्स मीन के म्यू जो होना था वो हमारे पास क्या होना चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था। अगेंस्ट आई रिपीट दिस के जो आपका नल हाइपोथेसिस होता है ये गिवन होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसके ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट अगर तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं होती, जस्ट आपको एच नॉट गिवन हो जाए तो आपने खुद ब खुद उसको अल्टरनेटिव को क्या कर लेना होता है, नॉट इक्वल लेना होता है। बट इन दिस सिचुएशन स्टेटमेंट में मेंशन होगा कि इसको अल्टरनेटिव को जो है आपने नॉट इक्वल करना है, ग्रेटर करना है या लेसर करना है। क्यों करना है, देखें मैंने कहा है कि अल्टरनेटिव जो है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट होता है। हमेशा जो है वो आपका नल हाइपोथेसिस का क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या होता है, ऑपोजिट होता है। जब मैं इसको एट पॉइंट, इसका मतलब क्या है, म्यू इज द पॉपुलेशन मीन, म्यू इज द पॉपुलेशन मीन, कि पॉपुलेशन मीन जो है वो 8.5 के इक्वल है। तो इसकी दो कंडीशंस बन सकती हैं कि म्यू जो है वो पॉपुलेशन मीन जो है वो 8.5 के इक्वल नहीं है, या 8.5 से ग्रेटर है या 8.5 से लेसर है, बिकम्स द दो टू एंड थ्री कंडीशन। लेकिन चूंकि हमने कौन सी कंडीशन पिक करनी है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है इट इज डिफरेंट फ्रॉम 8.5, इट्स मीन के दैट इज द नॉट इक्वल। जहां पर नॉट इक्वल का साइन आता है इट्स मीन के दैट इज अ टू टेल टेस्ट। क्लियर है कि अगर मेरे पास नॉट इक्वल हो, वन टेल और टू टेल को समझना क्या जरूरी है, कि अगर मेरे पास नॉट इक्वल हो, आपने किसको चेक करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चेक करना है। अगर अल्टरनेटिव में ग्रेटर का साइन हो, यानी म्यू ग्रेटर 8.5 हो, म्यू लेसर 8.5 हो, दैट इज द वन टेल टेस्ट। म्यू जो है वो हमारा ग्रेटर 8.5 हो या लेसर हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, अगेन आई रिपीट दिस, नॉट चेक द नल हाइपोथेसिस, चेक द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर में हो या लेसर में हो तो हमारा हो जाएगा वो वन टेल टेस्ट, और अगर नॉट इक्वल में हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो टू टेल टेस्ट। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन्होंने दिया हुआ था 0.01 एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो आपने लेना है। 0.01 जो किस पे लेना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मीन दैट इज अ फार्मूला जिसके जरिए हम इसको जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय एस ओवर एन अंडर रूट। सारे स्टेप्स वही होंगे, सिर्फ आपको चेंजिंग कहाँ आएगी, क्रिटिकल रीजन में आएगी। वन टेल और टू टेल का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चेंज होता है, यानी वन टेल में आपका ग्रेटर या लेसर का साइन होगा, और दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास क्रिटिकल जो रीजन होता है वो चेंज होता है। अब यहाँ पर जो है वो क्रिटिकल रीजन हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्रिटिकल रीजन को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहली बात ये कि हम इस तरह लिख सकते हैं, रिजेक्ट एच नॉट इफ जी इज इक्वल टू, इफ जी कैलकुलेटेड जी
जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, यानी इस फार्मूले के थ्रू जो आप कैलकुलेट करेंगे ग्रेटर हो जी टेबल वैल्यू से, ठीक है। चूंकि नॉट इक्वल का साइन है तो नॉट इक्वल में एक बात बता दूं कि जो जी की वैल्यूज होती है, जो हमारा जी कैलकुलेटेड होता है यानी इस फार्मूले से जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो इस कंडीशन में लाया करेगा जी कैलकुलेटेड ग्रेटर जी टेबल वैल्यू से, और अगर हमारे जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो हमारी सेकेंड जो है जी कैलकुलेटेड लेसर माइनस जी टेबल वैल्यू में जो है हमारा लाया करेगा। अब आपने क्या करना है इसको कि जी की जो वैल्यू थी क्रिटिकल जी ग्रेटर देन 2.5, मैंने इसको क्या किया 0.01 को चेक किया टू टेल टेस्ट में, क्योंकि मेरा क्या था टू टेल टेस्ट था। अगेन आई रिपीट दिस, देखें अगर आप यहीं पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वन टेल और टू टेल, तो जाहिर है आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। आप इसको चेक करेंगे जब आपका ये टू टेल है, टू टेल में 1% की जो वैल्यू है जो आपको टेबल गिवन है तो वो होगी 2.575, कुछ भी नहीं करना, जस्ट वहां से टू टेल की वैल्यू जो है वो सर्च कर लेनी है। अब हमारे पास आ गया कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में हमने यहाँ पर वैल्यू को देखना है, जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टेटमेंट में गिवन होती है। यहाँ पर क्या है हमारा एन कितना है 42 है, ठीक है। हमारा जो म्यू कितना है 8.5 है। द सैम्पल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल मीन कितना है 8.79, यानी एक्स बार हमारा कितना है 8.79 है, और हमारा सिग्मा जो है वो कितना है 1.27 है। आपने जस्ट वैल्यूज को पुट ऑन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देख लें यहाँ पर हमने क्या किया था कि एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस ओवर एन अंडर रूट। समटाइम्स लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज द म्यू नॉट। म्यू नॉट बेसिकली हमारी म्यू ही होता है जो हमने यहाँ पर लिखा है कि म्यू इज इक्वल टू 8.5, दैट इज द म्यू। हम यहाँ पर म्यू नॉट सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पर म्यू और म्यू नॉट बेसिकली वन थिंग होती है। हमने लिखना है यहाँ पर 8.5 है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कितनी आ गई 1.48। आपका जो ये क्रिटिकल रीजन बनेगा ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के बनेगा। जो हमारा क्रिटिकल रीजन होगा वो हमारा किसको देख के बनेगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। चूंकि हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल का साइन आ रहा है तो हमारा क्रिटिकल रीजन होगा वो इन दो को मिलाकर बनेगा। मैंने यहाँ पर एक लिखा है क्योंकि मेरी वैल्यू कितनी थी वो पॉजिटिव थी 1.48, तो मैंने यहाँ पर जस्ट ओनली 1.48 के हिसाब से पॉजिटिव ले लिया। अगर आपके आप ये दोनों हाइपोथेसिस जो है वो बेशक साइड पर लिख लें, अपने माइंड को क्लियर करने के लिए लिख लें, अगर आपका जो है वो नेगेटिव आएगा तो फिर आप ये वाली हाइपोथेसिस को पिक करेंगे। अब यहाँ पर 1.48 को पिक यहाँ पर लिखें 1.48, तो क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। मैं कह रही हूं कि जी जो है वो ग्रेटर है 2.575, तो मेरी तो वैल्यू 1.48 लेसर आई है 2.575 से, तो हम क्या करेंगे कि कहेंगे कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट क्या करेंगे हम लोग, हम एक्सेप्ट क्या करेंगे एच नॉट को, हम क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी जो वैल्यू, आपने देखना है कि आया आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो आपकी कंडीशन फुलफिल होती है तो आप उसको क्या करेंगे फॉल करवा देंगे, यानी हम कहेंगे सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, और अगर आपकी उसके अंदर लाई नहीं कर रही तो आप करेंगे डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन। मजीद एक्सप्लेन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। That is, a past record show that the average score of the students in statistics is 57 with standard deviation is 10. यानी हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड एवरेज स्कोर देखा जा रहा है वहाँ पर हमारा स्टेटिस्टिक्स के जो एवरेज स्कोर है वो कितने 57 है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 है। A new method of teaching is employed and a random sample of 70 students is selected. एक नया मेथड जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, एक नया मेथड जो है दिया जा रहा है, 70 स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट किए जा रहे हैं, देयर सैंपल एवरेज इज 60, कैन वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट्स एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देन द एवरेज स्कोर इज इंक्रीज्ड। एवरेज स्कोर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप इस क्वेश्चन पर गौर करें तो इस क्वेश्चन में आपको ये जस्टिफाई नहीं किया जा रहा कि व्हाट इज द म्यू एंड व्हाट इज द सैंपल मीन। तो याद रखिएगा आपने कैसे इसको डिफाइन करना है कि एवरेज स्कोर जो है वो हमारा कितना है, एवरेज स्कोर जो है हमारा रैंडम एवरेज स्कोर जो है हमारा कितना है 57 है, क्योंकि स्टूडेंट की टीचिंग मेथड को चेक किया जा रहा है 57 है। मैंने 57 क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने एंड पर कहा है दैट द एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड,
यानी एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एच नॉट है, क्योंकि एच नॉट को ही हम एक इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ना, सो दैट इज व्हाई दैट इज आवर एच नॉट। पहला हमने नल हाइपोथेसिस को हमने डिफाइन कर दिया, एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 57, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, एच वन म्यू ग्रेटर देन 57। इस क्वेश्चन में एक और चीज भी न्यू आई है, वो ये है कि यहाँ पर इन्होंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जो है वो गिवन किया हुआ था, नल हाइपोथेसिस को गिवन नहीं किया हुआ था। क्लियर है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मेंशन किया हुआ था। याद रखिएगा कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है ना, अगर आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन करेंगे तो आपने नल हाइपोथेसिस जो है उसके ऑपोजिट बनाना है, यानी नल और अल्टरनेटिव चूंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो आप नल गिवन होगा तो अल्टरनेटिव को बना दें, या अल्टरनेटिव गिवन होगा तो नल को बना दें। यहाँ पर म्यू ग्रेटर 57 है क्योंकि इंक्रीज का वर्ड है। यहाँ पर आप इक्वल भी लगा सकते हैं, आप लेसर का साइन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ इक्वल इसलिए लगा दिया क्योंकि हमने क्रिटिकल रीजन बनाना हो, हमने कंक्लुजन लेना हो, तो हम किसके हिसाब से लेते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए लेते हैं। सो बेटर इज दैट कि आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है, तो मैंने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन कर दिया। अगर आप एच नॉट में म्यू लेस देन 57 भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक होगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को मैंने डिफाइन किया, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस ओवर एन अंडर रूट के लिए। क्रिटिकल रीजन जो है, अब आप गौर करें कि ये दैट इज द वन टेल, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर म्यू का जो है वो ग्रेटर हो या म्यू जो है हमारे पास लेसर हो तो हम क्या कहेंगे, उसको वन टेल कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वन टेल टेस्ट हो जाएगा। और जब मैंने 5% के हिसाब से वन टेल में चेक किया, दैट इज द 1.645। क्लियर है जी? क्रिटिकल रीजन मैंने आपसे कहा था कि अगेन आई रिपीट दिस, कि क्रिटिकल रीजन जो होता है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के बनाया जाता है। इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ठीक नहीं बनता तो आपका क्रिटिकल रीजन भी गलत हो जाएगा, और जब आपका क्रिटिकल रीजन गलत होगा तो अल्टीमेट जो है वो आपका कंक्लूजन भी गलत होगा। सो मैं वैल्यूज को कंप्यूट कर रही हूँ उस फार्मूले में रखे, मेरा फार्मूला जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट एस ओवर एन अंडर रूट। अगेन आई रिपीट दिस की जो म्यू नॉट और म्यू जो होता है वो दोनों वैल्यू सेम होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हमारा एक्स बार कितना था, 60 माइनस म्यू नॉट कितना है, 57 है, डिवाइडेड बाय 10 और अंडर रूट 70। मैंने जब इसको कैलकुलेट किया दैट इज द 3.51। हमारा जी की वैल्यू कितनी थी, 3.51। अब यहाँ पर लिखें तो जी की जगह पर लिखें 3.51, इट्स मीन ये क्या कह रहा है कि 3.51 ग्रेटर देन 1.645। कंडीशन ये कह रही है ना कि 3.51 ग्रेटर देन 1.645, तो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा 3.51 जो है वो ग्रेटर है 1.645 से, तो मैं लिखूंगी सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, क्योंकि हमारी ये जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, जैसे यहाँ पर मेंशन है, तो हम कहेंगे कि हमारे जो कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स कर रही है क्रिटिकल रीजन के अंदर, सो हम रिजेक्ट कर देंगे अपने नल हाइपोथेसिस को, और हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारा एवरेज स्कोर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एवरेज स्कोर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह की स्टेटमेंट्स में ज्यादातर जो है, अगर तो वो खुद आपको दे दें, मैं अगेन रिपीट कर दूं कि समटाइम्स आपको गिवन कर दिया जाता है एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 57, लेकिन अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया जाए तो हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन होता है, क्योंकि जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस होता है वो हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। हम डिफाइन भी कर चुके हैं कि जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है दैट इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है वो बेसिकली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में गिवन होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ पॉपुलेशन नाउन टू बी नॉन नॉर्मल यील्ड द सैंपल वैल्यूज, एक्स बार इज इक्वल टू 182 एंड एस स्क्वायर इज इक्वल टू 299। एक्स बार जो है वो 182 है, एन एस केयर इज इक्वल टू कितना है, 299 है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एच नॉट म्यू लेस देन इक्वल टू 180। अब यहाँ पर देख लें कि आपको एच नॉट भी गिवन कर दिया एक्स बार, यानी यहाँ पर आपको सिम्बॉलिकली हर चीज जो है वो मेंशन कर दी, स्टेटमेंट की फॉर्म गिवन नहीं है, डायरेक्ट जो है वो आपको गिवन कर दिया गया है। एच नॉट हमारा कितना था, एच नॉट म्यू लेस देन इक्वल टू 180 है। तो मैंने कहा था अगर आपका एच नॉट ये होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो उसके ऑपोजिट होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो ऑपोजिट होगा। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लेकिन आपने यहाँ पर लिखना है।
अब यहाँ पर अगर एच नॉट कह रही हूँ मैं, म्यू लेस देन इक्वल टू 180 है, तो एच वन जो होगा वो म्यू ग्रेटर 180 होगा, लेसर का साइन देखें। अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ लेस देन इक्वल टू, तो म्यू लेस देन इक्वल टू 180 तो यहाँ पर आ गया, तो एच वन हमारे पास क्या होगा, म्यू ग्रेटर 180 आएगा। एच वन हमारा क्या आएगा, म्यू ग्रेटर 180 आएगा। एल्फा कितना है हमारे पास, 5% है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कितनी है, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय एस ओवर एन अंडर रूट, दैट इज द जी फार्मूला। यहाँ पर मैंने वैल्यूज को पुट किया, वैल्यूज को पुट करने के बाद मैंने, मेरे पास वैल्यू आ गई 1.16। क्रिटिकल रीजन को मैंने यहाँ पर एक और तरह से एक्सप्लेन किया, क्रिटिकल रीजन जो है रिजेक्ट एच नॉट इफ, यानी आपने रिजेक्ट एच नॉट को कब करना है, अगर मेरी ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी तो मैं इसको क्या कर दूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी। तो अब आप देखें कि 1.16 जो है वो ग्रेटर है 1.645, नहीं 1.16 तो लेसर है ना 1.645 से। तो हमने क्या लिखा, सिंस, मतलब ये कि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब क्या है कि जो हमारी गिवन कंडीशन है वो हमारी क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। सो मेंशन करूंगी सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस। अगेन आई रिपीट दिस कि आपके पास आपका जो पूरा क्वेश्चन होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, वो रिवॉल्व कर रहा होता है आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर। देखें अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो उसके हिसाब से ही आप क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। आपके क्वेश्चन नंबर में देखें कि मेरा यहाँ पर क्या था, ग्रेटर का साइन था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या था, मेरा ग्रेटर का साइन था। और अगर आप इसमें देखें तो मैंने क्रिटिकल रीजन में भी ग्रेटर का साइन लिया, ठीक है। अगर मेरा क्रिटिकल रीजन में लेसर का साइन होता, यानी एच वन हमारा लेसर होता, तो मेरा यहाँ पर जो क्रिटिकल रीजन था वो भी लेसर होता, ठीक है। और अगर हमारे पास नॉट इक्वल होता है, यानी मेरा टू टेल्ड बनता है, तो टू टेल्ड में मेरे पास दो कंडीशन बन रही होती है। रिजेक्ट एच नॉट में अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मैं ये वाली जो है ये वाली कंडीशन अप्लाई करूंगी, और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ तो मैं ये वाली कंडीशन को अप्लाई करती हूँ, ठीक है। इस वाली कंडीशन को जो मैं अप्लाई करती हूँ, इस वाली कंडीशन को अप्लाई करने से क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है -1.48, तो मैं यहाँ नेगेटिव टेबल की वैल्यू के साथ भी खुद से ही नेगेटिव लगा के दोनों को कंपेयर करूंगी ताकि मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकूं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई, और जो स्टेटमेंट के क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, किसके बिहाफ पर किसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। क्रिटिकल रीजन किसको देख के बनाया जाता है, कंक्लूजन किसको देख के बनाया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन में देख के भी समझाया था कि आपको बहुत अच्छे